नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिला कारागार में लगभग 3 वर्षों से दहेज हत्या के आरोप में निरुद्ध बंदी की बुधवार की सुबह अबू झालत में मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी गुलाब यादव की पत्नी संगीता की वर्ष 2015 में फावड़े के प्रहार से मौत हो गई थी। इस मामले में मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर संगीता की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले में आरोपी ससुर फौजदार यादव, जेठ सुभाष यादव तथा जेठानी सविता को गिरफ्तार किया था। वर्ष 2016 में आरोपी फौजदार व सविता की जमानत हो गई, जबकि तीसरा आरोपी सुभाष यादव तभी से जिला कारागार में बंद था। कुछ समय बाद सुभाष पेट रोग से ग्रसित हो गया। जेल के अस्पताल में चल रहे इलाज से कोई लाभ न होने पर लगभग 5 माह पूर्व सुभाष के परिजनों ने विचाराधीन बंदी सुभाष का बाहर के अस्पताल में बेहतर इलाज कराने के लिए न्यायालय में गुहार लगाई। इस संबंध में न्यायालय द्वारा जेल प्रशासन से आख्या रिपोर्ट मांगी गई। परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन ने इस मामले में लापरवाही बरती और न्यायालय में आख्या रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। बीमार बंदी सुभाष की हालत मंगलवार की शाम अचानक गंभीर हो गई। बीमार बंदी सुभाष की हालत मंगलवार की शाम अचानक गंभीर हो गई। अस्पताल के चिकित्सक द्वारा रेफर कर दिए जाने पर इस बात की सूचना जेल प्रशासन द्वारा सुभाष के परिजनों को देते हुए उसे रात करीब 8 बजे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान बंदी सुभाष ने बुधवार की सुबह करीब 5 बजे दम तोड़ दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस संबंध में मृतक सुभाष के भाई गुलाब यादव का आरोप है कि जेल प्रशासन द्वारा बंदियों को दिए जाने वाले घटिया भोजन के कारण उसके भाई सुभाष की हालत बिगड़ी, जो उसकी मौत का कारण भी बन गई। वहीं जेलर का कहना है कि सुभाष एनीमिया और हाइपरटेंशन से पीड़ित था। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। जेलर के लापरवाही से, जो साहब के लापरवाही से। अच्छा, ये कहां जेल में बंद थे? हाँ, जेल में बंद थे। कब से बंद थे? 2 सालों से। किस मामले में बंद थी? दहेज प्रथा में। दहेज हत्या हुई क्या पत्नी की? हाँ, हत्या हुई थी। कई लोग बंद थे इसमें? 3 लोग। जेल में कैदी मौत हुई क्या? अभी सूचना ये प्राप्त हुई है कि सुबह 4 बजे जेल में कैदी था, जो बीमार था, कल से हॉस्पिटल में एडमिट था। उसकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई है और मजिस्ट्रेट उसमें नियुक्त किया गया है कार्रवाई के लिए। बाकी पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है जेल प्रशासन द्वारा। आगे पुलिस के स्तर से जो भी कार्रवाई उनके द्वारा रिपोर्ट करी जाएगी उस पर सुनिश्चित कराई जाएगी। किस मामले में? दहेज हत्या के मामले में बताया गया कि दहेज हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध था।